Mughal Relations with Other Rulers, Part 1. मुगल रूलर्स उन शासकों के खिलाफ निरंतर कैंपेन करते थे जो उनकी सत्ता को नहीं मानते थे। फलस्वरूप मुगल्स बहुत शक्तिशाली हो गए और दूसरे शासकों ने उनकी सत्ता को अपनी इच्छा से मानना आरंभ कर दिया। राजपूत इसका अच्छा उदाहरण थे। बहुत सारे राजपूत ने मुगल परिवारों में अपनी बेटियों की शादी की। लेकिन कुछ ने उनका विरोध भी किया। सिसोदिया राजपूत ने बहुत लंबे समय तक मुगल्स का विरोध किया। और एक बार हारने के बाद मुगल्स ने उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया और उनकी भूमि उन्हें वापस वतन जागीर के रूप में प्रदान की। मुगलों के द्वारा दूसरे शासकों को हराने के बाद भी उनका असम्मान न करने के कारण मुगल्स अपना प्रभाव बहुत सारे राजाओं और सरदारों में बढ़ा सके। लेकिन हमेशा नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल था। मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स पार्ट 2। मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार का मतलब है ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास मनसब था, यानी पोजीशन या रैंक। ये मुगल्स के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक ग्रेडिंग सिस्टम था जो इन चीजों को फिक्स करता था। वन रैंक, टू सैलरी और थ्री मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रैंक और सैलरी न्यूमेरिकल वैल्यू जत से निर्धारित होती थी। जितना अधिक जत होता था दरबार में नोबल की पोजीशन उतनी ऊंची होती थी और उतनी बड़ी उसकी सैलरी होती थी। मनसबदार की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये थी कि उसे एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार या कैवलरी मैन रखना आवश्यक था। मनसबदार को अपना वेतन रेवेन्यू असाइनमेंट्स जागीर्स के रूप में मिलता था जो इक्तास की तरह होते थे। पर मुक्तीस की तरह अधिकतर मनसबदार अपनी जागीरों में रहकर उसका प्रशासन नहीं करते थे। उनके पास अपने असाइनमेंट से सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स थे। रेवेन्यू कलेक्शन का काम उनके सर्वेंट्स के द्वारा किया जाता था। और मनसबदार देश के किसी दूसरे हिस्से में अपनी सर्विस करते थे। अकबर के समय में इन जागीरों को सावधानी पूर्वक असेस किया गया था ताकि उनका रेवेन्यू लगभग मनसबदार की सैलरी के बराबर हो।
मनसबदारों की संख्या में बहुत वृद्धि की गई थी, इसलिए मनसबदारों को अपनी जागीर मिलने से पहले काफी इंतजार करना पड़ता था। इन कारणों से जागीरों की कमी हो गई थी। और जागीरदार अपनी जागीरों से अधिक रेवेन्यू निकालने का प्रयास करते थे। औरंगजेब अपने शासनकाल के आखिरी सालों में इन सब बातों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और आम आदमी को इसके कारण बहुत कष्ट उठाने पड़े। मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स पार्ट 3। जब्त और जमींदार। मुगल शासकों के पास आमदनी का मुख्य स्रोत पेजेंट्री का प्रोड्यूस था। अधिकतर स्थानों पर पेजेंट्स रूरल एलीट्स के द्वारा टैक्सेस देते थे, यानी हेडमैन या लोकल मुखिया के द्वारा। मुगल्स सभी बिचौलियों को जमींदार कहते थे, चाहे वो लोकल हेडमैन हो या शक्तिशाली सरदार। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल ने 1570 से 1580 के बीच 10 साल के पीरियड में फसल की उपज, उसकी कीमत और क्षेत्रों का सावधानी पूर्वक सर्वे किया। और इस डेटा के आधार पर हर एक फसल पर कैश में टैक्स निर्धारित किया गया। हर एक सूबे को रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड किया गया, जिसका इंडिविजुअल क्रॉप्स का रेवेन्यू रेट्स का अपना शेड्यूल था। इस रेवेन्यू सिस्टम को जब्त कहते थे और ये उन क्षेत्रों में प्रचलित था जहां पर मुगल प्रशासक जमीन का बहुत केयरफुल अकाउंट रख पाते थे। अकबर्स पॉलिसी। अकबर के द्वारा बनाए गए प्रशासन के मुख्य फीचर्स अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबर नामा में विस्तार से बताए हैं। इन पर्टिकुलर लास्ट वॉल्यूम आईने अकबरी में अबुल फजल के अनुसार पूरा साम्राज्य प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिसे सूबा कहते थे। हर एक सूबे का एक गवर्नर सूबेदार होता था, जो पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस के लिए उत्तरदायी था। हर एक प्रोविंस में एक फाइनेंशियल अधिकारी दीवान भी होता था। प्रोविंस में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को दूसरे अधिकारी जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर बख्शी
रिलीजियस और चैरिटेबल पेट्रनेज का इंचार्ज सद्र, मिलिट्री कमांडर्स फौजदार्स और टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल सहायता करते थे। अकबर 1570 के दशक में फतेहपुर सीकरी में था जब उसने उलेमा, ब्राह्मणों, ईसाई पादरियों जो रोमन कैथोलिक्स थे और ज़ोरास्ट्रियंस के साथ धार्मिक मामलों पर चर्चा आरंभ की। ये चर्चाएं इबादत खाने में होती थी। अकबर धार्मिक मामलों और विभिन्न लोगों की सामाजिक परंपराओं में रुचि रखता था। अकबर को इस बात का एहसास हुआ कि धार्मिक विद्वान जो कि रिचुअल्स और डॉग्मास पर बल देते थे और दूसरों के विचारों का सम्मान नहीं करते थे, वो ढोंगी होते थे। और उनकी शिक्षाएं समाज और प्रजा में आपसी बैर पैदा करती थी। इन सब बातों को समझने के बाद अकबर ने सुलह-ए-कुल या यूनिवर्सल पीस के आइडिया पर काम किया। ये टॉलरेंस का विचार था और लोगों के बीच में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करता था। बल्कि ये सिस्टम ऑफ एथिक्स, ईमानदारी, न्याय और शांति पर आधारित था। अबुल फजल ने अकबर को सुलह-ए-कुल को फ्रेम करने में मदद की। और गवर्नेंस का ये सिद्धांत जहांगीर और शाहजहां के द्वारा भी फॉलो किया गया। द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी। मुगल एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एफिशिएंसी की वजह से इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी हुई। शाहजहां के राज के 20वें साल के डॉक्यूमेंट से हमें पता चलता है कि हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार 8000 में से सिर्फ 445 थे। ये छोटा सा नंबर जो टोटल मनसबदार्स का सिर्फ 5.6% था, इसे एम्पायर के एस्टिमेटेड रेवेन्यू का 61.5% मिलता था अपनी और ट्रूपर्स की सैलरीज के लिए। मुगल एम्परर्स और मनसबदार अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सैलरीज और गुड्स में खर्च करते थे। इस एक्सपेंडिचर से आर्टिजन और पेजेंट्री को मदद मिली जो कि गुड्स और प्रोड्यूस सप्लाई करते थे। पर स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से प्राइमरी प्रोड्यूसर, पेजेंट और आर्टिजन के लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट बचती थी। सबसे गरीब लोग
हैंड टू माउथ कंडीशन में रहती थी। और एडिशनल रिसोर्सेज में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टूल्स एंड सप्लाइज में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। अमीर पेजेंट्री और आर्टिजनल ग्रुप्स, मर्चेंट्स और बैंकर्स इस इकोनॉमिक वर्ल्ड में फायदा उठाते थे। मुगल एलीट के पास एनॉर्मस वेल्थ और रिसोर्सेज थे, जिस वजह से लेट 17th सेंचुरी में ये एक्सट्रीमली पावरफुल बन गए। जैसे जैसे मुगल एम्परर की अथॉरिटी कम हुई, इनके सर्वेंट्स अलग अलग रीजन्स में पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर बने। इन्होंने नई डायनेस्टीज बनाई और हैदराबाद और अवध के प्रोविंसेस में कमांड की। ऑल्दो दिल्ली के मुगल एम्परर को ये अपना मास्टर मानते रहे, पर 18th सेंचुरी तक प्रोविंसेस के एम्पायर्स ने अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया था और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज बनाई थीं।